नमस्कार, 22 जिले 22 खबर में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। सबसे पहले बात करेंगे कैथल की, जहां कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। जिले में 24 घंटे में 32 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 612 हो गई है। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार देश व प्रदेश के लिए अत्यंत भयानक साबित होती जा रही है। पिछले 6 दिन से लगातार देश में 2 लाख से ज्यादा संक्रमण के नए केस सामने आते जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पाल सिंह ने कहा है कि अगले 3 सप्ताह देश के लिए अत्यंत क्रूशियल साबित होने जा रहे हैं। कोरोना की इस लड़ाई में अत्यंत सावधानी बरतने की जरूरत होगी और राज्यों को अपने अपने राज्यों में सख्ती बरतने की जरूरत होगी। कैथल में भी आज एक साथ 32 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जिसे एक्टिव संख्या 612 हो गई है और वहीं 83 लोग अब तक जान गंवा चुके हैं। देश व राज्य सरकार बार बार लोगों से यही अपील कर रही है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, अत्यंत सावधानी बरतें। वहीं जिस तरह से लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा भी अपने तमाम दर्शकों से यही अपील कर रहा है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, खुद भी संक्रमण से बचें और दूसरों को भी बचाएं। कैमरा पर्सन पृथ्वीराज के साथ जोगिंदर कुंडू। हरियाणा प्रदेश में बढ़ते कोविड संक्रमण के मामलों के चलते हरियाणा रोडवेज विभाग ने गोहाना से हरिद्वार, देहरादून और कोटा जाने वाली बस सेवा को आगामी आदेशों तक बंद कर दिया है। बस सेवा बंद होने से हरिद्वार और देहरादून जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली में लॉकडाउन लगने से गोहाना से दिल्ली, आगरा और जयपुर रूट पर चलने वाली बसें बंद हो सकती हैं। बसें बंद होने की स्थिति में लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। हमारा 1.5-2 लाख के करीब जो है 75 का डेली अनुभव हो रहे हैं हमारे। वो कोरोना की वजह से अर्धवा घट जाती थी, देहरादून घट जाती थी, वहाँ चेकिंग करते हैं और वहाँ चेक करने में कोरोना काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए हम गाड़ी बंद कर दी वहाँ की। और इसलिए सरकार ने लेटर जारी कर दिया, 50% पैसेंजर बैठाने हैं तो 26 सीट अलाउड हैं सवारियाँ, तो इसलिए हमारा 700 पड़ा है और हमारे किलोमीटर भी कम हुए। और वहीं हरियाणा में बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने हरियाणा रोडवेज के लिए कुछ स्पेशल हिदायत जारी की हैं, जिसमें बसों में बैठाने वाले सवारियों को कोविड के नियमों का पालन करवाया जाए और बस में 50% यात्री ही बैठाए जाएं। लेकिन हरियाणा में बस चालकों के द्वारा इन नियमों का पालन बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। अम्बाला कैंट बस स्टैंड पर जाकर चेक किया गया तो पाया कि बस स्टैंड पर कोविड के नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और बस में 50% यात्री ही बैठाए जाने के आदेशों की भी परवाह नहीं की जा रही। कुछ लोग कोरोना से बचने के लिए नियमों की पालना कर रहे हैं, कुछ लोग इसकी कोई परवाह नहीं कर रहे हैं। हरियाणा रोडवेज की बस में जब देखा गया तो ज़्यादातर सीटें भरी हुई थी, हालांकि मास्क सभी ने लगाए हुए थे लेकिन सवारियां ज़्यादा थी। इतना ही नहीं, अम्बाला कैंट बस अड्डे पर रोडवेज के कई कर्मचारी भी बिना मास्क और नियमों का पालन नहीं करते दिखे। हरियाणा रोडवेज में परिचालक कनेक्टर पद पर सर हरियाणा सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 50% सवारी अलाउड है, जबकि 26 सवारियां में अलाउड है। हमने 26 सवारियां अपनी गाड़ी में बिठाई हैं, पर देखा जा रहा है कि आपकी गाड़ी के अंदर सवारियां साथ साथ बैठी है, सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल भी पालन नहीं है। सर 26 सवारी अलाउड है, इसलिए हम सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कर रहे हैं अपने हिसाब से, और हमारे साथ सवारियाँ धक्का बुक्की करके करेगी, हमें अपने स्थान पर जाना है, इसलिए बसों की कमी है बहुत ज़्यादा। सरकार इनको बसों को पूरे रूप से हिदायत के अनुसार सवारियों को प्रदान करें। और वहीं जींद में कोरोना की रफ्तार ने डरा दिया है। एक दिन में 92 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। नरवाना में कोरोना वायरस से कुल 262 लोग संक्रमित हैं। अब तक कोरोना से 19 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लोगों को कोरोना वैक्सीन भी लगाई जा रही है, लेकिन वायरस का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। कोरोना की चपेट में युवा भी शामिल हैं। और भिवानी में एसपी अजीत सिंह शेखावत सड़क पर उतरकर लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। पुलिस वाले लोगों को कोरोना नियमों का पालन करने के लिए कह रहे हैं। एक और जहां प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर भिवानी के परिप्रेक्ष्य में बात करें, आज रिकॉर्ड तोड़ 162 मामले कोरोना पॉजिटिव के एक ही दिन में सामने आए। अब कुल एक्टिव केसेज की संख्या यहाँ पहुँचकर 222 हो गई है।
वहीं दूसरी तरफ प्रशासन के द्वारा भवानी खेड़ा में जाटू लुहारी में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। जाटू लुहारी में भंडारा रोड पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, जहां पर बाकायदा ना केवल सैनिटाइजेशन का कार्य करवाया जाएगा बल्कि पूरी तरह से सैनिटाइज करवाने के बाद टीमें गठित कर घर घर जाकर जाँच भी की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आज कोरोना से मरने वालों के आंकड़े की बात की जाए, 7 लोगों का अंतिम संस्कार आज भिवानी प्रशासन द्वारा भिवानी में करवाया गया। ये वो लोग थे जो या तो गुरुग्राम, फरीदाबाद या रोहतक में इनकी डेथ हुई थी, इनकी मौत हुई थी कोरोना की वजह से, लेकिन तमाम लोग भिवानी के रहने वाले। एक बड़ा आंकड़ा आज सामने आया है। और उसके बाद अगर पुलिस प्रशासन की बात करें, प्रशासन के द्वारा लगातार पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही, लोगों को समझाया जा रहा है। तो भिवानी के पुलिस कप्तान खुद अगर बात करें अजीत सिंह शेखावत, वो सड़कों पर उतरे लोगों को समझाने बुझाने के लिए जागरूक किया जा रहा है, ना केवल दुकान दुकान घर घर जाकर लोगों को समझाया जा रहा है कि मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, ज़रूरत पड़े तभी घरों से बाहर निकलें। पुलिस के द्वारा भी गांधीगिरी के जरिए लोगों को आज कोरोना संक्रमण से बचने का पाठ पढ़ाया गया। तो दूसरी तरफ आने वाले दिनों में चालान काटने की मुहिम भी तेज किए जाने की बात प्रशासन द्वारा कही गई है। पुलिस लगातार मुस्तैदी की बात कह रही है। एक तरफ नाइट कर्फ्यू लगाया गया तो दूसरी तरफ भिवानी नाके भी लगाए गए, जो कि बाकायदा जांच कर रहे हैं। बहरहाल कोरोना के आंकड़े काफ़ी डराने वाले हैं, ऐसे में लोगों का भी दायित्व है कि वो तमाम गाइडलाइन को फॉलो करें। वीडियो दलित समित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। एक और वहीं हरियाणा से दिल्ली को जोड़ने वाले बदरपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की तरफ से सख्ती बढ़ा दी गई है। फरीदाबाद से दिल्ली जाने वाले वाहन चालकों को रोककर उनसे दिल्ली जाने की वजह पूछी जा रही है और इसके साथ ही मूवमेंट पास भी उनसे मांगा जा रहा है। बिना वजह दिल्ली में एंट्री करने वाले लोगों को वापस फरीदाबाद की तरफ भेजा जा रहा है। हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक की रिपोर्ट देखिए। हम लोगों ने इसके लिए अरेंजमेंट इशू कर दिया है, अरेंजमेंट जो है वो अब इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। सभी सीनियर ऑफिसर्स इलाके में हैं, SHO ACP सभी अपने स्टाफ के साथ में तैनात हैं। मेन फोकस जो है वो जो मेन रोड है साउथी जिले की वो तो है ही है, उसके अलावा अंदर का इलाका है जहाँ हम मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग करा रहे हैं, लोगों को अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। ओवरऑल हम लोग अच्छे से जो DMA की गाइडलाइंस है उनको इम्प्लीमेंट करा रहे हैं और अगर वायलेशन होता है तो उनके अगेंस्ट में केस भी रजिस्टर किए जाएंगे। जहाँ तक एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज की बात है, एक लिस्ट DMA के ऑर्डर में ही है जिसमें कुछ एक कैटेगरी है जो आई कार्ड दिखा के और मूव कर सकती है, उनको छूट है। दूसरी कैटेगरी है जिनको पासेस की ज़रूरत है, पास उनको दिखाने पड़ेंगे, असेंशियल सर्विसेज और इस तरह से। तो कई सारी कैटेगरी जिसमें बनाई हुई है, तो ये दोनों तीनों तरह की कैटेगरीज हैं वो अच्छे से नीचे डाउन द लाइन ब्रीफ कर दी गई है स्टाफ को। उसी हिसाब से जो है वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज को जाने दिया जा रहा है, असेंशियल सर्विस के लिए है या डॉक्टर्स हैं, यहाँ तक कि एडवोकेट्स को भी अलाउ किया गया है। जहाँ फरीदाबाद से दिल्ली आने वाले लोगों से पुलिस नाके पर पूछताछ कर रही है, तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की तरफ से जो फरीदाबाद जाने वाले लोग हैं उनको भी यहाँ रोका जा रहा है। चूंकि जो दिल्ली में लॉकडाउन है और जो सड़कों पर निकले हैं उनसे यहाँ वाहन चालकों को रोककर पूछताछ की जा रही है कि किस वजह से वो सड़कों पर निकले हैं। चूँकि सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से जो ज़रूरी सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें बाहर आने की अनुमति है, लेकिन उन पर भी ई पास होना ज़रूरी है। और ये तमाम चीज़ें पुलिस यहाँ चेक करती हुई, चूँकि फरीदाबाद से जो दिल्ली लोग पहुँच रहे थे नाका लगाकर उनको रोका गया, अब ऐसे में जो दिल्ली से फरीदाबाद की तरफ जो लोग जा रहे हैं उनसे भी यहाँ पूछताछ की जा रही है। और कोशिश यही है कि लॉकडाउन के तहत कम से कम लोग सड़कों पर निकलें। जिस तरह से लोग लगातार जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उनको रोकने के लिए 6 दिन का लॉकडाउन लगाया गया था, और उसी का नतीजा है कि पुलिस अब सड़कों पर उतर चुकी है। दिल्ली पुलिस की तरफ से कोशिश ये है कि लॉकडाउन को पूरी तरह से सफल बनाया जाए, और ऐसे में ना केवल फरीदाबाद से दिल्ली आने वाले बल्कि दिल्ली से फरीदाबाद की तरफ जाने वाले लोगों को भी यहाँ रोका जा रहा है और उनसे बाकायदा पूछताछ इसलिए की जा रही है कि आखिर किस वजह से वो सड़कों पर निकले हैं। और ये नाकेबंदी आप साफ तौर से यहाँ देख सकते हैं कि पूरी तरह से नाकेबंदी कर दी गई है, और लगातार कोशिश है पुलिस की तरफ से कि लोगों से पूछा जाए कि आखिर किस वजह से वो निकले हैं, क्या ज़रूरी काम है इनका, और बिना वजह के अगर कोई निकल रहा है तो उनको यहाँ रोक कर पूछा जा रहा है। उनसे ज़रूरी ई पास अगर है तो ई पास देखा जा रहा है उनका, और क्या वजह है क्यों इसलिए बाहर निकले हैं ये भी पूछा जा रहा है। बात भी करेंगे सर, किस तरह से तैयारी की गई है आपकी तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए ये आप साफ तौर से ये देख सकते हैं कि गाड़ियों को यहाँ इसलिए रोककर उनसे पूछताछ की जा रही है, और ये देखिए आप उनसे पूछताछ करते हुए पुलिसकर्मी की आखिर वजह क्या है, क्यों सड़कों पर निकले हैं, कहाँ उन्हें जाना है, ताकि आगे से अगर बिना जरूरी वजह के अगर लोग निकल रहे हैं
तो उनको रोका जाए, उनसे ई पास पूछा जाए, वजह पूछी जाए और लॉकडाउन को इसलिए पूरी तरह से लागू पुलिसकर्मी करा रहे हैं यहाँ सड़कों पर, ताकि जो कोरोना के मामले हैं वो ज़्यादा ना बढ़ें। और ये उसी वजह से यहाँ पूछताछ पुलिस की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से नाकेबंदी कर कर की जा रही है। और ये साफ तौर से उनसे पूछताछ आप पुलिसकर्मियों की तरफ से ये देख सकते हैं। और अगर बात करें सर, किस तरह से क्या क्या पूछ रहे हैं आप, किन किन लोगों को जाने की अनुमति है? मूवमेंट पास देख रहे हैं लोगों के कि उनके पास में वैलिड मूवमेंट पास हैं क्या, जिनके पास पास हैं उनको जाने देते हैं, अदरवाइज हम कार्रवाई करते हैं उसमें। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।